लोकतंत्र का महापर्व मतदान दिवस आज 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का अंतिम चरण है और आज ये तय हो जाएगा, जनता ये आज तय कर लेगी कि किसकी सरकार आने वाले 5 सालों में उनको प्रदेश में चाहिए, किसकी सरकार ने काम किया, किसकी सरकार ने काम नहीं किया, किसकी घोषणाओं से उन्हें उम्मीद है और किसकी सरकार पर उन्हें भरोसा है। तो हम आज चलते हैं आपको लेकर के मतदान केंद्रों में, वहाँ पर की जनता से जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीदें उनको आने वाली सरकार से है, किस आधार पर वो इस बार अपना वोट मतदान कीमती मतदान दे रहे हैं और ऐसी कई बातों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको ले चलते हैं जनता के बीच। तो इस वक्त हम पंडरी के मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग आए हैं मतदान करने के लिए, लाइनें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास में सुरक्षाकर्मी भी काफ़ी सारे हैं, लगे हुए हैं। किसी भी ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आप ठीक, यहाँ पर मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा घुमाए और पीछे जो एक व्हील चेयर है उसको भी दिखाएं। यहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधा दी गई है, अगर किसी को इसकी आवश्यकता होती है तो उसको ये भी मुहैया कराया जा सकेगा। आप देख सकते हैं लोगों का आना जाना लगा हुआ है और मतदान दे के सभी वापस जा रहे हैं और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। हेलो मैम, फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा था। अच्छा, हाँ। तो किससे उम्मीद लगा के रखे हैं आप? देखते हैं कौन आता है। अच्छा, तीन ही तो मेन पार्टी है, बताइए। अच्छा, क्या उम्मीद आपको सरकार से रहती है, आप ये तो बता सकते हैं? हाँ। कुछ चाहिए, लाइक देखा जाए लाइक इन द रिजर्वेशन सीट्स में जैसे जनरल का ज्यादा लो रहता है, एसटी वाले से कुछ ज्यादा देते हैं, लाइक हमें चाहिए कि हमें जनरल वालों को भी ज्यादा लाइक पहुंच मिले जो चाहते हैं। जैसे कई बाई चांस लाइक स्कूल और कॉलेज में देखा जाए तो लोअर कास्ट को ज्यादा दिया जाता है और जनरल वालों को बहुत ही कम दिया जाता है, लाइक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सीट का तो वो कुछ ही प्रतिशत है, अभी 50% है, 50% तो फ्री है, नहीं मिलेगा ना, लेकिन इतना हमें पता है, हम कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। तो 50% फ्री है आपके लिए रिजर्वेशन के अलावा भी? देखते हैं, अगर देखा जाए एजुकेशन में ज्यादा लाभ आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेटरमेंट रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए भी। अच्छा, रिजर्वेशन के लिए आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन थोड़ा सा जनरल कैटेगरी को भी ध्यान में रखकर? तो देखिए लोअर कास्ट में अगर बोलना नहीं चाहिए, एस सी एस सी में जो भी कम परसेंटेज वाइज होते हैं, जनरल में ज्यादा होते हैं, जनरल वालों को कम एडमिट मिलती है और लोअर कास्ट को ज्यादा मिल जाती है, एस टी एस सी वो ले जाते हैं हमारी सीट्स, वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा जी, मेन एजुकेशन का ही चाहिए मुझे। अच्छा, आप मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा तिवारी है, मैं यहीं से हूँ, पंडरी में रहती हूँ, सेक्टर 5 देवेंद्र नगर। तो आप एक गृहिणी है, महिला है, तो उसके मुताबिक ऐसा देखा जाए तो क्या लगता है? मेरा बिजनेस भी है, दोनों है। हाँ, तो क्या उम्मीद लगा के सरकार से आपने रखा? सरकार से क्या जोर है, कम से कम अपना ना देख के सामने वाले की भी इच्छा समझे, हर चीज में वाहन जाने में किसी चीज में भी हो, किसी भी लाइन में वो परफेक्ट मिलना चाहिए तो सरकार बने। अच्छा, घोषणा पत्र में काफी बात की, जैसे कि शादीशुदा महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, सालाना 12,000 ये भारतीय जनता पार्टी का है और 15,000 कांग्रेस ने घोषणा किया है, उसके अलावा महिलाओं को लोन भी दिया जा रहा है। सपोर्ट के वक्त में सब घोषणा करते हैं, बाकी टाइम में काम नहीं, जो भी रहे सब वक्त का पैसा नहीं, काम करते हैं अपने हिसाब से, सब करते हैं, जो कम कोई ज्यादा, कोई कहने का ये मतलब है कि इस वक्त में तो फिर सबको ही अपना, दूसरे शब्द में बोला जाए तो मतलब ऐसा लगता है पूरी जनता पे ही सब निर्भर है, ऐसा रहता है, बाद में जानते हो फिर सब बातें हो रही है, देखते हैं कौन कितना सरकार देती है, वादे तो भी सब कर रहे हैं, देखते हैं कौन कितना सरकार लाएगी। क्या नाम है आपका? सारांश सारंगी। कहाँ से आप? श्री रामनगर, शंकर नगर। अच्छा, तो आपने वोट दे दिया? जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कौन से टाइम वोटिंग था मेरा? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, लोग भी वहाँ पर बहुत सहायक थे, अच्छा लगा वोटिंग देके। किसको वोट किया आपने? वो हम नहीं बताएंगे पब्लिक के लिए। बहुत अच्छी बात है, नहीं बताने वाले, पर किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो देखिए कि अभी तक जो भी थे उन्होंने हमारा ऐसा कुछ ऐसे वहाँ डेवलपमेंट उतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन तब देखते हैं जिसको हमने दिया है कुछ अगर उम्मीद होगी उससे डेवलपमेंट की। बाकी आपका क्या नाम है? समर शेखर भट्ट। मैं शंकर नगर, भाई के साथ हूँ। अच्छा, तो आपका आपने कितने बार वोट दे दिया है? मैं अभी पहली बार है मेरा, अभी फर्स्ट टाइम है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। कैसा लग रहा है कि आने वाली सरकार कौन सी होगी, क्या वो काम करेगी? देखिए, आने वाली सरकार का तो हम बोल नहीं सकते, वो तो 3 दिसंबर को डिसाइड होगा, लेकिन जो भी लगता है हम अपने फ्यूचर के लिए अच्छा वोट कर दे के आए हैं और हमने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन युवा शिक्षित प्रत्याशी को वोट दिया है जो निर्दलीय से खड़े हैं। धन्यवाद। अरे वाह,
बहुत बढ़िया। मैम आपका नाम क्या? आशा सारंगी मेरा नाम। अच्छा, आपने कितने बार मतदान? मैं काफी बार कर चुकी हूँ, पर बहुत उम्मीदें रहती है सरकार से, वो कुछ करती नहीं है हमारे लिए खास, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, वोट देते हैं और हर बार देंगे भी, पर सरकार को सोचना चाहिए। मिडिल क्लास हमेशा पिस जाता है, जबकि सबसे बड़ा हाथ मिडिल क्लास का ही रहता है सरकार बनाने में, तो मिडिल क्लास वालों के लिए सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, तो लोगों में जागरूकता आई है कि सरकार कौन सी बननी चाहिए और किसने काम किया, किससे उम्मीदें हो? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि मतलब लोग हमेशा उत्साहित होके ही आते हैं, वोट करते हैं, पर उसके हिसाब से उनको वो प्रतिफल नहीं मिलता है। हमेशा सरकार उनको, जब वो अपने सत्ते में आ जाती है तो फिर जनता एक तरफ किनारे हो जाती है। अभी जनता अपना हर बार उत्साह से वो लोग वोट देते हैं, पर होता नहीं है उससे कुछ भी। यहाँ कांग्रेस से कुलदीप जुनेजा खड़े हैं और बीजेपी से पुरंदर मिश्रा और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजीत कुकरेजा। तो आपने किस पे भरोसा जताया? देखिए, मैं ऐसा मतलब डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकती, जिसकी सरकार आ गई उसी को वोट दिया है हमने। दे दे हाँ। हाँ। काला वोट दे दे, दे हम तो भीड़ रही नहीं है, खाली है। खाली है, अभी आ रहा तुम? हाँ। तो कितना टाइम में वोट? अभी तो अभी तो दिए। कहाँ से आप? हम लोग पार्वती नगर से। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ वोट देने हैं? हाँ। का लग थे कौन आई है दरी से? अपन का करता वैसे? अब कौन आई तो अब कोई भी आए नहीं ना। हाँ, चल सकते तो चलो भाई, बोल हम लोग का तो पैर हाथ चलता नहीं है तो का करें। और एक जन है वो तो आ नहीं सकी, तो आई भी नहीं। हाँ, उसको कोई लाएंगे, उठा कर लाएंगे तो तभी आएगी वोट देने के लिए। तो आपके घर में क्या करते हैं, मतलब आप लोग बेसिकली क्या करते? हाँ, पापा घर का बर्तन मानते हैं, क्या करें। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता था? हाँ, मिलता है, मिलता था, मिलता है। और ऐसी सरकार, तो ऐसी सरकार हमको जो देने का था वो तो नहीं दिए। जो 20,000 रुपया मिलता है वो तो मेरे को मिला ही नहीं, इतना हम लोग 500 रुपया कर दिया है। अभी कहाँ करा, तो मिला कहाँ है भैया? अभी तो नहीं पा, नहीं मेरे को मिलता है। हाँ, 20,000 मिला। हाँ, मेरे को धोतरे नहीं मिला, सराहना 20,000 रुपया नहीं मिला मेरे को। अच्छा, तुम प्रदेश के सरकार ले संतुष्ट रहा पिछले 5 साल में जो काम करी? हाँ सर, मैं संतुष्ट है। और ले पहली सब मैं वो मैं भी थे। मतदान का दिन है 17 नवंबर, अब आखिरी पड़ाव है ये, कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज भारतीय संस्कृति का ये महापर्व है, प्रजातंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। आज हम वोट डाल के भारत को मजबूत करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में हम सफल होंगे। आप मतदान केंद्र से अभी बाहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है लोगों में, किस प्रकार का? बहुत अच्छा लग रहा, उत्साह है, क्योंकि परिधि में मैं खड़ा हूँ तो और कुछ नहीं बोलते। अच्छा, जितने भी मतदान केंद्र है सभी में आप जा रहे हैं? मैं 201 बूथ है, सब में जाऊंगा। युवाओं से हमने बात की और वृद्धों से भी हमने बात की, और अब हम बात करेंगे महिलाओं से। जो आपका क्या नाम? कुंती बघेल। कहाँ से हैं आप? पार्वती नगर से। अच्छा, आप यहाँ पे वोट, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। कैसा रहा, क्या लगता है? अच्छा, किसकी सरकार बनने वाली है? अब देखें किसका सरकार बने। कहाँ से है मैम आप? श्रीराम नगर। अच्छा, आप यहाँ पे वोट देने? हाँ, वोट देने के लिए। वोटिंग हो गई? वोटिंग हो गई। अच्छा, कितना समय लगा आपको? 5 मिनट। यहाँ पे लेडीज की लाइन अलग है, जेंट्स की अलग है, तो जल्दी हो गया। अच्छा, तो लेडीज की जो लाइन है वहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है? नहीं। और जेंट्स की? बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, हस्बैंड का ही वेट कर रहा है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने काफी बार वोट पहले भी दे चुका होगा? काफी बार दे रहे, पिछले 10 साल से वोट दे ही रहे हैं, तो जो जीता हम उसकी तरफ, और क्या है। अच्छा, जो जीता उसकी तरफ, ऐसा सरकार से आपको किसी प्रकार की उम्मीद नहीं होती? होती है, करते ही है लोग, बट स्पेसिफिकली किसी का नाम लेना प्रेफर नहीं करेंगे। आप मैम, आप भी कहाँ से? मैं श्रीरामनगर से। जी, तो क्या लगता है आपको, किस सरकार से आपने उम्मीद जताया है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय? आई थिंक ये गुप्त मतदान है। और जो भी जीते बस पब्लिक लिए काम करे वो ज्यादा बेटर करता है। प्रदेश में 5 साल पिछले कांग्रेस की सरकार रही है, आपको उनसे किस प्रकार की उम्मीद थी, क्या वो उस प्रकार से काम कर पाए? देखिए, बहुत कुछ काम तो हुआ है, बट देखते हैं अब नेक्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकीला सिद्दीकी है। आप श्रीराम नगर से? बस, हम लोग सब एक ही परिवार के हैं।
आपने काफी बार मतदान किया होगा, आपको क्या ऐसा लगता है कि बदलाव पिछले बहुत जितने भी साल है आपने मतदान किया है, कि समय के साथ बदलाव आए हैं या फिर अभी भी लगता है कि जिस तरीके से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जिसकी भी सरकार है बस काम करे और बहुत अच्छा काम करे और सबको देखे, वो जैसे नीचे वाले गरीब लोगों को देखते हैं, उनको सब तरह के कार्ड देते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, मिडिल क्लास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मिडिल क्लास को कोई सुविधा नहीं है, ना किसी तरह का कार्ड है ना कुछ, उनको भी देना चाहिए कार्ड, उनको भी सुविधा देना चाहिए, ऊपर वाले तो पैसे के दम पे काम करा लेते हैं। तो जो भी सरकार आए वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कि मिडिल क्लास को भी देखना चाहिए, और चाहे कोई सी भी हो, इससे हम वो नहीं है, सबसे हम लोग खुश हैं, सबसे अच्छा है। तो देखिए देखा जाए तो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनमें ऐसा ऐसी भावना है कि उनके लिए सरकारें काम नहीं करती है, अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो काम तो कर लेते हैं पैसे के दम पे और गरीबों के लिए सरकार खड़ी होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो हमेशा बीच में फंस कर रह जाता है और उनके लिए किसी प्रकार की कोई योजनाएं नहीं बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार नागरिक जो है वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं ज्यादा ज्यादा संख्याओं में, और उन्होंने उनसे हमने बातचीत की और बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से वो आने वाली सरकार से उम्मीद रखते हैं और क्या कुछ कार्य उनसे उनको आशाएं हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद प्रदेश में किसकी सरकार बनती है।